आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से चर्चा के लिए मौजूद है मोहित कुमार जी, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से बिहार अध्यक्ष है। आज फिर से जानेंगे कि किस तरीके से जो आंदोलन इनके संगठन ने छेड़ा हुआ है वो किस मुकाम पर बिहार में पहुंच चुका है, और किस तरीके से जो सहारा के निवेशक है, सहारा में जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, वहां पर उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको जानने के लिए आज सर सर के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। नमस्कार अंजलि जी, और नमस्कार न्यूज 15 के सभी चैनल में जुड़े हुए सभी साथियों को। न्यूज 15 लगातार सहारा पीड़ित मुद्दों को लगातार उठा रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो जन आंदोलन की शुरुआत जो हमारी हुई है वो लगभग 2 साल पहले से हुई है, क्योंकि देश भर में सहारा पीड़ित कार्य जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को लेकर के कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। हम लोग लगातार जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में जा करके शिकायतें की, लेकिन शिकायतों को लेकर के कोई निपटान नहीं हुआ और हमारी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं था। ना कोई शासन में बैठा हुआ व्यक्ति, ना प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति, कहीं से कोई नहीं हम लोगों को सुना सुना जा रहा था। और भुगतान को लेकर के कोई भी प्रयास कहीं से हम लोग को दिख नहीं रही थी। अंततः हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एक आह्वान करके कार्यकर्ताओं का एक मंच तैयार किया, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में पूरे भारत वर्ष में हमारा ये मोर्चा काम कर रहा। सारा इंडिया में लंबित भुगतान को लेकर के ये मोर्चा का गठन किया गया, और बहुत सारे साथी कार्यकर्ता के रूप में, जमाकर्ता के रूप में हमारे इस अभियान से जी जुड़े। आज देश भर में एक मुहिम के तौर पे हम लोग जगह जगह सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए और उसके हक दिलाने के लिए हम लोग लगातार ये मुहिम कर रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार तक सूचनाएं जा रही है, केंद्र के सरकार तक सूचनाएं जा रही है, लेकिन सूचना जाने के बावजूद भी हमारा मांग को लेकर के, हमारा भुगतान की समस्याओं को लेकर के ठोस प्रारूप नहीं दिखा। अंततः हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पूरे देश भर में हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे और वो भारत के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जिलों में वो आंदोलन का आह्वान एक ही डेट पे, एक ही समय से होगा, जो जिनकी गूंज जो है सारा प्रबंधन तंत्र से लेकर राज्य सरकार से होते हुए केंद्र सरकार तक जाएगी। जी तो किस तरीके का बड़ा आंदोलन अब बिहार के जितने भी निवेशक हैं वो एकजुट होकर करने जा रहे हैं, और आपके जितने भी मोर्चे के तहत जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से सहारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं? पूरे बिहार में आज सारा पीड़ित जमाकर्ता हो चाहे कार्यकर्ता हो, बहुत सारे साथी हमारे साथ एक साथ एक आवाज बन के निकल रहे हैं। इस मुहिम में लगातार जिले में, हर जिले में एक संगठन को तैयार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हम लोग संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात को प्रबंधन से लेकर सरकार तक पहुंचा पाए। इसके लिए देश भर में जो है 9 तारीख का आह्वान हुआ है, 9 तारीख 9 नवंबर को लेकर के, बिहार में 9 नवंबर को लेकर के जो तैयारियां हैं, बिहार के प्रत्येक रीजनल ऑफिसों, बिहार के प्रत्येक रीजनल ऑफिसों में जो है हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना करेंगे। प्रत्येक जी रीजन ऑफिस के बाहर हम लोग हजारों हजार की संख्या में अपनी भुगतान को लेकर के मांग को रखेंगे, जो है हमारा भुगतान मिले इसके लिए आवश्यक कार्रवाई हो। जी और 15 नवंबर को देश भर में प्रत्येक जोन कार्यालय में लगभग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं प्रत्येक जोन में, जो कि जो भी हमारा उसमें जमाकर्ता है और कार्यकर्ता है, वो सभी सहयोग के साथ एक मंच पे हम लोग सहारा इंडिया भुगतान की मांग को रखने जा रहे हैं, जिसमें जी पूर्व में ही हम लोग जिलाधिकारी को सूचना दे रहे हैं, शाखा स्तर के सभी कार्यालयों में ये सूचना दी जा रही है कि आगामी 9 और 15 को बहुत बड़ा भुगतान को लेकर के पूरे भारत स्तर पर ये आयोजन किया जा रहा है। अगर सारा प्रबंधन आने वाले दिनों में भुगतान को लेकर के जो है भुगतान शुरू कर देती है, तो निश्चित तौर पे हमारा ये आंदोलन जो है आंदोलन आगे नहीं जाएगा। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि देश के 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का न्याय मिले, उसका भुगतान मिले, 12 लाख कार्यकर्ता जो है उसको सही पूर्वक, उचित पूर्वक न्याय मिल सके। जी सर, आप बिहार से हैं, पटना का गांधी मैदान कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी जगह कहलाता है,
जहां से अधिकतर जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हो या जेपी क्रांति हो, वहीं से उनकी शुरुआत हुई। ऐसे में आपके द्वारा भी एक बड़ा आगाज दिया गया है जो कि गांधी मैदान से ही रिलेटेड है। वो क्या है और किस तरीके से आगे आप आंदोलन करने जा रहे हैं? गांधी मैदान को लेकर के बहुत बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिहार के हर जिले में जो है एक संगठन को रूप दिया जा रहा है। हर जिले में जो है ऑल इंडिया न्याय मोर्चा एक संगठन के रूप में आ रही है, और बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिले में संगठन को तैयार करके लगभग दिसंबर तक में ये बिहार में लगभग हर जगह पे एक संगठन तैयार हो जाएगा। जी दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमारा पूरा राष्ट्रीय स्तर पे ये आंदोलन होगा गांधी मैदान में, जिसमें कि लाखों लाख की संख्या में एक साथ एक मंच पे सारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता दिखाई देंगे। इसका जो है आगाज हो चुका है और हर जगह इनकी तैयारियां चल रही है। निश्चित तौर पे लोग जो है अपना धैर्य खो रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का कार्य रुका हुआ है, आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। आए दिन जमाकर्ताओं से सुनने आ रहा है कि उनके घर में जो है उनका जो भी आर्थिक तौर पे जो काम होना था कहीं ना कहीं वो बाधित हो चुका है। आज त्योहारों के समय में भी लोगों के घर में खुशियां नहीं है, दीपावली वो नहीं मना पा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो है कार्यकर्ता भी आज जो है इस पर्व त्योहार का जो उल्लास उनके परिवार में होना चाहिए उनके साथ नहीं है। वो भी जो है आज धैर्य खो रहे हैं। उनका कहीं जिंदगी भर का सारा पैसा जो है उसी सारा इंडिया में पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं, और आए दिन उनके साथ जो है जमाकर्ताओं का तनाव बढ़ता जा रहा है, जमाकर्ताओं का तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें इसमें कहीं ना कहीं एक बातें आ रही है खुल करके, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी साथी आज जमाकर्ता की मुहिम के लिए आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी परेशानियां बढ़ेगी। तो सारा इंडिया के जो भी कार्यकर्ता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भुगतान की लड़ाई को अंतिम रूप देने के लिए आप खुले मंच पे खुले दिल से जमाकर्ताओं का सहयोग करें, क्योंकि जो हमारा ऑल इंडिया का मुहिम है भुगतान को लेकर के, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बाधित बनने का काम कर रहा है। तो वो उन्हीं कार्यकर्ता है जो कि इस कार्य जो भुगतान की लड़ाई में जो है समन्वय रूप से पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम जी लोगों को संयुक्त ताकत के रूप में एक साथ आना है, तभी ये लड़ाई लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि जितने भी कार्यकर्ता सहारा में जुड़े हुए हैं वो सभी आपके साथ आए और अपना पैसे के लिए, अपने निवेश के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, तो क्या अभी भी जो एजेंट हैं और निवेशक हैं उनको अभी भी सहारा की तरफ से कोई ना कोई ऑफर आ रहे हैं? वो जो है अभी भी कंपनी कंपनी का बहुत सारा कार्यकर्ता को अभी भी डर लग रहा है कि कहीं जो है मैनेजमेंट उसके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई ना कर दे भुगतान को लेकर के। क्योंकि जब मैंने इस भुगतान को लेकर के पहल किया, कंपनी को लगातार मैंने पहल किया, तो कंपनी ने आज से 3 दिन पहले जो है कोड को निरस्त किया, और पेपर अखबारों के माध्यम से मेरा जो है कोड को निरस्त करके दूसरे लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया कि मोहित जी जो आज भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, वो संस्था जो है संस्था के हित में नहीं है, संस्था के लिए वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। और हमको जो है पेपर अखबार के माध्यम से मेरा कोड को निरस्त करके उन्होंने एक दिखाने का काम किया है, और उन कार्यकर्ताओं को डराने का काम किया है कि अगर जी आप भी सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे तो हम आपका कोड निरस्त कर दें। इस बात को डर बना करके आज खुले मंच पे कार्यकर्ता नहीं आ रहे, जबकि जबकि पूर्व के दिनों में मैंने रीजन में जाकर, ये रीजनल मैनेजर का एक लेटर है जिसमें रीजनल मैनेजर के अधिकारी ने खुद साइन किया है कि इस जी क्षेत्र में जमाकर्ता का भुगतान को लेकर के बहुत बड़ा दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, वो जल्द से जल्द जो है 30 दिनों के अंदर भुगतान करने की बात कही है। और जी ये अब फिर भी वो लेटर दे करके भी मेरे विरुद्ध जो है मेरे विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र करके मुझे जो है पेपर में नाम लिखवा करके कोर्ट को निरस्त किया गया। जी तो जी कंपनी जी जिस तरीके से आपके आंदोलन लगातार कंपनी चल रहे हैं और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आपके ऊपर भी इतना बड़ा एक्शन लिया गया है सहारा मैनेजमेंट के द्वारा, तो क्या इस पर शासन प्रशासन का किस तरीके का रवैया देखने के लिए मिल रहा है? वो किस तरीके का साथ आपका दे रहे हैं? शासन प्रशासन बिल्कुल इस बात से अज्ञान है, या फिर वो जान करके हमारे दुख को तकलीफ को वो नहीं समझना चाह रहा, पीड़ा हमारी सुनने के लिए नहीं जानना चाह रहा। क्योंकि मैंने पूर्व में ही
वो चाहे वो डीएम को लेटर हो, या थाना को लेटर हो, चाहे ब्रांच को लेटर हो, ये मेरे पास सारा चीज है। वो जान रहे हैं इस चीज को, लेकिन वो इस चीज को शासन प्रशासन चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। उनका कहना है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत हाई लेवल मामला है, जिसमें कि अगर देश की सरकारें कुछ नहीं कर रही है, केंद्र की सरकारें जो है आज सहारा के समर्थन में खड़ी हुई है, तो हम उनका कैसे विरोध करें। जी अभी हाल के दिनों में जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो है सहारा सुब्रत राय को देखा गया, जबकि जी देश का कानून और पुलिस उसको ढूंढने का काम कर रही है, वही देश के रक्षा मंत्री उनको बचाने का काम कर रही हैं। तो लोगों को ये मैसेज जा रहा है शासन और प्रशासन को कि जिसकी रक्षा में जो है देश का जो है रक्षा मंत्री लगे हुए हैं, तो वो शासन और जिले के शासन प्रशासन उसको क्या कर पाएंगे, उसको जी क्या न्याय बिल्कुल दिला पाएंगे। जी, जिस तरीके से आप लोग आंदोलन करने अब अगले दिनों में जा रहे हैं, चाहे वो 15 नवंबर वाला आंदोलन हो या फिर जनवरी में जो आप गांधी मैदान से रैली निकाल रहे हैं वो आंदोलन, क्या लगता है कि इन आंदोलन के जरिए आप लोगों का पैसा आपको वापस मिल जाएगा, या इसके अलावा भी कोई और रणनीति आपकी बनाई जा सकती है आपके द्वारा, जिससे निवेशकों का पैसा उनका भुगतान किया जा सके? हमारी बहुत सारी रणनीतियां चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रणनीतियां जो है वो रणनीतियां सफल होते हुए नहीं दिख रही है। हम लोग कानूनी रूप से तो हम लोग शिकायतें जारी कर रहे हैं हर जी जगह प्रबंधन के रूप, लेकिन शिकायतों का निपटान नहीं हो रहा। जी कानून भी जो है लंबी प्रक्रिया में उलझ रही है। इस कारण से अंततः हमने आंदोलन को बड़ा करने का निर्णय लिया है, और आंदोलन को एक स्वरूप में देने के लिए पटना का गांधी मैदान को लेकर के पूरा भारत वर्ष में 13 करोड़ जमाकर्ता और 12 लाख कार्यकर्ता को एक साथ आने का आह्वान किया गया। तो क्या गांधी मैदान से शुरू हुआ ये आंदोलन एक बड़ी क्रांति के रूप में उभरने जा रहा है? निश्चित ही बिहार जो है क्रांति की श्रेणी में अग्रणी रहा है। बिहार जो है आज देश के 13 करोड़ जमाकर्ता को बीड़ा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार के प्रत्येक साथी ने ये जो है शपथ लिया है कि वो जब तक कि भुगतान नहीं होगा तब तक वो एक एक दिन को चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आज इसी कड़ी में लगातार बहुत सारे साथी एक साथ निकल के जमाकर्ता की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो साथी हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनको तो उनका जमाकर्ता भी देख रहा है, और वो देख रहे किस लड़ाई में किस तरह से जा रहा है। लेकिन जिनके जमाकर्ता का कार्यकर्ता आज कोई साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी भुगतान के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो निश्चित तौर पे जमाकर्ताओं को अंधेरे में रख रहे हैं वो। और ऐसे साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है जमाकर्ता के भुगतान के लिए हमारा साथ दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए, ऐसी तमाम चर्चाओं के साथ बने रहने के लिए बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ, मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर आती रहूंगी। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।